सुनिए, करण कनिका कहीं मिल नहीं रही है। यही होगी कहीं पे। आप नहीं करण, हमने हर जगह देख लिया, उसके कमरे में भी देख लिया, वो कहीं नहीं है। घबराने की बात नहीं है, आ जाएगी। कहीं वो कहाँ थी तुम कनिका? हमने मैं तो वॉशरूम गई थी। क्या बात है, आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे कि मैं घर से ही भाग गई। कोई नहीं आओ। आ जाओ। स्माइल प्लीज। अरे करण बेटा। तारीफ अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, हमारा लड़का ये लाखों में एक है, लाखों में बहुत अच्छे संस्कार पाए हैं। इसे जो भी संस्कार मिले हैं वो इसकी माँ से मिले हैं। आप लोग बैठ के बात कीजिए ना आराम से। हाँ आइए बैठिए, आप बैठिए ना। मेरी पत्नी को तो आप जानते ही जी। वकील साहब, मैं बड़ा खुश नसीब हूं जो मुझे ऐसी संस्कारी पत्नी मिली है जी, और ऐसी संस्कारी ससुराल मिली। आप जानते हैं मेरी ससुराल में एक भी इंसान गजेट पोस्ट से कम पर नहीं है। आप लीजिए। हमारे छोटे साले साहब की वाइफ के फादर जो हैं वो एमएलए हैं, एमएलए। हम अभी कनिका को लेकर आते हैं। अरे आभा बेटा, यही होगी कनिका। कनिका बच्ची थोड़ी है, होगी यही कहीं। अरे देखना, माथुर साहब आए हैं, राहुल आए हैं, इन्हें बेटी देनी है भाई, खुल के बातचीत कर लो। तो यहीं रुक, मैं कनिका को लेकर आती हूँ। कनिका जल्दी करो। कनिका कनिका कनिका, देखो देखो कितना ज्यादा चॉकलेट खा लिया मैंने। आभा बेटा जी, मुझे भी अपने बेटे के लिए तुम्हारी जैसी बहू चाहिए। बहुत नाम सुना है तुम्हारा, ठाकुर साहब के लिए बहुत इज्जत है मेरे दिल में जी। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है जी। तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो क्या? एक काम करो ना अंकल, अंकल मुझे वाले अंकल मेरे लिए चॉकलेट। नहीं नहीं चॉकलेट तो खा रही हूँ अभी ना, मुझे जूस पीना है। अंकल अंकल मुझे वाले अंकल मेरे लिए जूस लाओ ना। माँ आपको जूस चाहिए ना, मैं किसी और बेटे को बोलती हूँ आपको वो जूस दे देगा। क्यों किसी और बेटे को, ये है ना। नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। चलो अभी जूस, अभी कैसे जूस नहीं देता। ऑरेंज जूस, ये जूस चाहिए, ये नहीं दे रहा है। चल जाने दे इसको, मैं देती हूँ, नीचे बहुत सारा जूस है, बहुत सारे। चल बहुत है, नहीं हिलने क्या। अरे छोड़ना इसे, चल मैं देती तुझे। ये जूस चाहिए ना, मीठे मीठे। माँ चलना, जूस 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 जूस। हाँ चल, बहुत सारा है, बहुत मीठा वाला है। चल चल भाग गई।
कलिका घर से भाग गई है, वो अकेला। क्या बात कर रही हैं आप? फिर मैं चेक कीजिए। फिर यहाँ देखो, कलिका। कनिका को वो मूछे वाले अंकल के साथ सीढ़ी पे खड़ी थी उधर। करण, ये सब क्या है? वकील साहब, अगर आपकी लड़की का संबंध किसी और लड़के के साथ था तो फिर हमसे रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत थी? क्या आप उसकी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते थे, और वो भी मेरे बेटे के साथ? बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे थे आप हमारे साथ। अब तुम देखना कैसे मैं पूरे शहर के सामने इस घर की इकलौती लाडली बेटी को बदनाम करती हूँ। माधुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मेरी लड़की आपके खानदान के लायक नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप शहर के जाने माने वकील जरूर बन गए, लेकिन आप एक अच्छे और जिम्मेदार पिता नहीं बन पाए। काम करके नाम कमाने के चक्कर में आपने अपने बच्चों को इग्नोर किया। अरे, उन्हें अच्छे संस्कार भी नहीं दिए। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे, समय रहते हमको पता चल गया कि ऐसी लड़की हमारी बहू बनने वाली थी। चलो बेटा, ये चलते हैं यहाँ से। सुनिए मत। प्लीज सुनिए ना बेटा। तुम तो कह रही थी कि तुम माँ का फर्ज निभाओगी। क्या हुआ? एक बेटी की देखभाल नहीं कर पाई तुम? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि कनिका को एक माँ मिले, माँ का प्यार मिले। अरे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या कर दीजिए? जब से निखिल की बात पता लगी, तब से मैं साए की तरह कनिका के साथ में हूँ। आज जरा पार्टी के इंतजाम में लगी हुई थी तो मैंने आभा से कहा था। कनिका को जरा देख लेना, लेकिन वो बेचारे भी क्या करती, शायद मायके वालों के स्वागत में भूल गई होगी। माफ कीजिए, लेकिन हमने आभा से रहने दीजिए। माँ, रहने दीजिए। मासी, हमारे पास इस समय बहस करने का वक्त नहीं है, वरना हम आपको इस बात का जवाब जरूर देते।
इस समय हमें कनिका को ढूंढना है। पापा, पापा अगर कनिका उस निखिल से शादी कर लेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अभी फोन करता हूँ कनिका। मैं कर ही रहा हूँ कब से फोन, उसका फोन स्विच ऑफ है। तो अब क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे? मुझे याद है जी, वो आज सुबह मुझसे कह रही थी शिव मंदिर के दर्शन कब खुलते हैं, ज्यादा भीड़ तो नहीं होती। मैंने पूछा था उससे कि तू क्यों पूछ रही, तो उसने मुझे कहा कि उसका मन बहुत घबरा रहा है, वो दर्शन करना चाहती है। कहीं कहीं वहीं तो नहीं गई है? जा बेटा, जा जरा जरा देख क्या हो, तो जाओ जरा ढूंढो उसे। रुक जाओ, वो निखिल से शादी कर भी ले तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। उसने इस घर की मर्यादा को तोड़ा है, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है बस। पापा, पापा ये आप क्या कह रहे हैं? पापा आपका गुस्सा जायज है, पर माँ बाप का अपने बच्चों से रिश्ता कभी नहीं टूटता। वो कनिका है पापा, इस घर की बेटी, इस घर की इज्जत। आप चाहे कुछ भी कहें, हम इस घर की बेटी को वापस जरूर लेकर आएंगे। चलिए चलिए। रुल भैया, आप उसके फ्रेंड्स के यहाँ गए, हम लोग जाते हैं शिव मंदिर। हौसला हौसला रखिए वकील साहब, ठाकुर साहब आज तक मैं किसी के सामने हारा नहीं, आज मेरी बेटी ने मुझे हरा दिया। उसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। शायद मेरी गलती थी, एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, उसे परवरिश नहीं दे पाया। ठाकुर साहब इसमें आपका आपका कोई दोष नहीं है वकील साहब। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो सही होता है वो गलत नजर आता है, और जो गलत होता है वो सही नजर आता है। जिस तरह बच्चे लड़खड़ा के ठोकरे खा के चलना सीखते हैं, उसी तरह शायद आज कनिका को यह एहसास हो जाए कि उसके लिए कौन सही है कौन गलत है। अब क्या कर सकते हैं ठाकुर साहब, कनिका ने तो जीवन भर का गम दे दिया हमें, आप भी अब कब तक हमें धीरज बंधाएंगे? कैसी बातें कर रही हैं आप, हम समधी है इस घर के, इस दुख की घड़ी में हम नहीं साथ देंगे तो क्या बेगाने साथ देंगे? क्षमा कीजिए, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने से नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब क्या, संस्कार और सानिया घर में अकेले होंगे, लता बिटिया अकेली है वहां पर, कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, बड़ों को अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए। और ये बात सभी पर लागू होती है। अब हम चलेंगे वकील साहब जी, हमारे लायक कोई भी काम हो इत्तला कर दीजिएगा। जरूर ठाकुर साहब, शुक्रिया। भगवान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे मासी, मासी 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 रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, आप चलिए आराम कर लीजिए। सब क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये
कैसे हो गया? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? हाँ क्या चाहिए, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? हाँ प्रतिभा, हाँ मुझे बोलो, पानी चाहिए, पानी 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 पानी। मुझे माफ कर दो। क्यों? मैं कनिका को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। अच्छा? मैं डॉक्टर को बोलो। नहीं नहीं मैं डॉक्टर हूँ। अरे माँ, माँ को बोला, क्या चाहिए? मैं पानी पानी। हम माँ को बोलो, माँ माँ तो बाहर गई है। यशो हाँ मैं लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। यशो पता नहीं कहाँ गई होगी। करण थोड़ा तेज चलाइए ना। इधर देखो। नहीं है भैया। जल्दी जल्दी करण। अरे करण यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, वो चिंतामणि रोड है ना, वहाँ पर भी एक शिव मंदिर है, वहाँ देख लेते हैं। यहाँ से ना? हाँ हाँ, बस इधर इधर रोक दीजिए, रोक दीजिए, हम देख रहे थे। यहाँ पे भी नहीं। कहाँ गई ये लड़की? करण और कोई शिव मंदिर के बारे में पता है आपको? बैठो देखते हैं। कनिका आओ, इट्स ओके। कनिका लाइन ज्यादा नहीं है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा। यू डोंट वरी, तुम बैठो, मैं अभी हार लेकर आता हूँ, ठीक है? कनिका बेटा तुम यहाँ? जी अंकल, वो मेरी फ्रेंड को कुछ काम था यहाँ। अच्छा, तो इतनी घबराई क्यों? जाओ जाकर किसी से भी बोल दो, झट से काम हो जाएगा। जगमोहन प्रसाद को यहाँ सब जानते हैं। जाओ जाओ, अपने पापा को मेरा नमस्कार जरूर बोलना, ठीक है? जाओ जाके बोलो। अरे मेरे पेपर तैयार हुए कि नहीं है? जल्दी करो यार। आप पापा को शादी के लिए मना तो लेंगी ना? अरे हाँ शैली, सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। हाँ आपके कहने पर मैंने अपनी जान तो जोखिम में डाल दी है, लेकिन अगर कनिका के भाइयों को समय से पहले पता लग गया ना तो मेरी जान ले लेंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे सबको झूठ बोल दिया है कि कनिका किसी शिव मंदिर में शादी करने गई है। मुझे पता है पंप किधर है, मैं लेके जाऊंगी। जब तक ये उज्जैन के सारे शिव मंदिर जानेंगे, कोर्ट में हमारा काम हो चुका होगा। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और जैसा मैंने कहा है बस वैसा करते जाओ। जी अरे यशु को तो सब पता है, कनिका कहाँ है, उसने सबको झूठ बोला, मोटी कहेगी। मैं अभी माँ को फोन करके सब बताती हूँ।